जी जय माता दी, आप सभी को मेरी ओर से कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज फ्रेंड्स ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, तो अभी आया है चेतन स्कूल से और इसके लिए मैं बना रही हूँ मैगी और चाय। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी लोगों से, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ में। और मित्रों, अगर आपका कोई सुझाव या कोई राय है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या मुझे मेल कर सकते हैं। तो आईडी के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं आपको हमारा काम क्या क्या चल रहा है आज कल हमारे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, बात बात में यहाँ पर हमारी मैगी तैयार हो गई है, चाय तैयार हो गई है। मैगी मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत कम खाती हूँ। बच्चे बड़े खुश होते हैं, पर हम बच्चों को भी कभी कभी मैगी देते हैं। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे, ये माता जी आ रहे हैं। किसी ने पूछा भी था कि दिखाई नहीं दे रहे, तो बहुत कम आते हैं, जब तबीयत ठीक होती है तो थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये जा रहे थे बाथरूम के लिए, और पतिदेव जी बना रहे हैं यहाँ पर किचन गार्डन, और मैं यहाँ पर समेट रही हूँ जो छत टूटी हुई है उसका जो टूटा फूटा सामान है ना। अब ये किसी काम का तो है नहीं, फिर ये जलाने के काम आएगा, और इसको मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि खेत खाली करना है हमें और सारा यहीं पे पड़ा है। खेत में बारिश चैन ही नहीं दे रही है थोड़ा सुधारने के लिए, तो जितना सुधारते हैं ना उतना तब तक फिर से बारिश हो जाती है और फिर से जो वहीं किया किराया सब वहीं बेकार हो जाता है। तो इनको मैं एक जगह साइड में खड़ा कर रही थी, साइड में रखते हैं इनको, फिर खेत पूरा खाली हो जाएगा। और आज ना वैसे भी काम करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि कभी कभी ना शरीर ऐसे हो जाता है ढीला ढीला सा। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप दूध पिया करो, भैंस पाला करो, तो लगता है उन्होंने शायद पहली बार चैनल पर आए हैं। दूध घी हम सब कुछ खाते हैं, पर जिसका शरीर जैसा होता है ना वो वैसा ही दिखता है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ, बट नहीं, जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी हूँ, ठीक हूँ मतलब अपने हिसाब से। और इसको समेटने के बाद में अभी गोबर वगैरह भी उठाना है, तो यहाँ पर बंसू लगा था ऊपर शरारत करने, तो मैं इसको ना थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही थी कि आ जा, पर ये मानता नहीं है, शरारत ही बहुत है। और यहाँ पर पानी पिला देते हैं गाय को, थोड़ा बहुत मैंने समेट दिया, थोड़ा बहुत समेटने को फिर पानी भी ला लेती हूँ इसको, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में फिर मुझे अंदर भी बांधना है इसको, तो इसलिए ना पानी वगैरह पिला लेते हैं इसको। फिर चलते हैं अंदर किचन में, और वहाँ पे फिर रोटी वगैरह भी पूरी तरह से वो साफ़ सफाई करने को पड़ी है, वैसे का वैसा ही सब कुछ है। ऐसे में जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। कपड़े धोए हैं सुबह के, तो वो भी अभी बाहर इकट्ठा करने को है। और हाँ, मुझे आप लोगों को ना कुछ दिखाना भी है। मैं थोड़ा सा काम करके फ्री हुई हूँ और मेरे पास में एक चीज़ है, बहुत दिनों से पेंटिंग पड़ी थी पर आप लोगों के साथ में उसे शेयर करने का टाइम नहीं लगा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और वो चीज़ क्या है अब बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये कुरियर है, ये देखिए, और ये भेजा है राज भैया ने और मम्मी के लिए भेजा है, तो इसको मैं आपको खुल करके बताती हूँ कि क्या है इसमें। और ये मेरे पास ना 31 तारीख का पहुंचा हुआ है, पर ज़िंदगी भागदौड़ ऐसी है कि टाइम ही नहीं लगता आजकल, पीछे पीछे छूट रहा है सब कुछ। तो खोलते हैं इसको और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या भेजा होगा। तो इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर में है, ये है इसके अंदर दो डब्बे हैं, और ये ओट्स के डब्बे हैं जो कि भेजे हैं राज भैया ने माता जी के लिए, स्पेशल कुरियर है। तो थैंक यू सो मच राज भैया आपका। और एक बात और है, ये जो ओट्स है ना,
ये हमेशा राज भैया ही भेजते हैं और मम्मी के लिए भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो ये उसलिए भेजा हुआ है उन्होंने। और शुक्रिया आपका राज भैया प्यारा सा तोहफा देने के लिए। और मम्मी का इसको देख के क्या रिएक्ट था, मम्मी खुश हुए थे और शुक्रिया अदा कहा है मम्मी ने, मेरी ओर से बोला है बेटा अपने राज भैया को बोलना कि मेरी ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टाइम नहीं है, कम है, इसलिए इसको इसी में पैक कर देते हैं। और ये इन्होंने फ्लिपकार्ट से भेजा हुआ है। तो अंधेरा हो चुका है और गाय को मैंने अंदर कर लिया है। जब भी उदास होती हूँ ना, उदासी के पल होते हैं, तो अपनी गाय के पास आकर के बैठ जाती हूँ और अपनी गौशाला को देखती हूँ, क्योंकि मेरी गौशाला कभी भरी होती थी ये, जो मुझे खाली खाली लगती है, तो मैं इसी के पास आकर के बैठ जाती हूँ अक्सर। और ऐसे ही मूड अपसेट हो जाता है, पर माता जी ने दो शब्द राज भैया के लिए बोले, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के माध्यम से राज भैया तक पहुंचाना चाहती हूँ। कि मेरी माता जी ने बस इतना ही कहा है कि जुग जुग जियो बेटा, आपके जितने भी कष्ट हैं ना माता रानी हर ले। और आप सभी लोग भी प्रेयर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है कि राज भैया के ऊपर जितने भी कष्ट है वो सब दूर हो जाएं और राज भैया जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, बीमार रहते हैं वो। और देखो ये पता क्या बोल रही है, ये बोल रही है मेरे को खारिज करो, बेटा पीछे हटो, क्या करना है कालू, क्या करना आपने, क्या करना बच्चे। तो अब ना इसने दूध देना भी कम, बिल्कुल कम कर दिया है, ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है और मैंने बिल्कुल उब गया है, मेरा मन नहीं करता पशु पालने को। अगर किसी को चाहिए होगी ना तो मेरे को संपर्क करना, मैंने इसको दे देना, डर लगता है यार, क्योंकि मेरे साथ ना हर दिन बुरा हो रहा है। मुझे पता है मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, अगर बोलूँगी ना कुछ तो थोड़ी सी बोली हुई बात भी बहुत दूर दूर पहुँच जाती है, इसलिए बस जो समझदार होंगे वो समझ सकते हैं और समझदार को इशारे काफ़ी होता है। तो मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे से संपर्क करना जो नज़दीक के हैं। ये देखिए दे देना तेरे को कालू हमने, तो चलते हैं अब, खाना भी बनाना है और पतिदेव जी लगे हैं पूजा करने नहा धो करके, मैं चलती हूँ खाना बनाने। और लास्ट में फिर से एक बात फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी यूट्यूब से थोड़ी सैलरी आ जाए और उस सैलरी से मैं अपनी थोड़ी जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है ना उसको सुधार सकूं, क्योंकि आपको पता ही है फ्रेंड्स, अभी हमने पैसे लिए हैं, लोगों से उधार लिया है, तो वो उधार चुकाना है, और जो पैसे लोग देते हैं वो देते हैं ब्याज के ऊपर। तो ऐसे में ना मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मेरी सैलरी आ जाए, इस महीने नहीं अगले महीने ही सही, पर आ जाए तो फिर मुझे किसी से ना लेने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं उनको वापस कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगी, देती रहूँगी, बाकी करने वाला भगवान है। करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।